हाय गाइस, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। टाइम हो रहा 7:56। तो आज हम आए खेत पर। खेत के पीछे ये देखो झाड़ियाँ थी, तो हमने क्या खेलजी की डाली काटी थी, तो उसके क्या है कि मतलब अब उसकी लकड़ियाँ उठाने आए हैं। तो पीछे ये देख लो, पीयूष लकड़ियाँ उठा रहा है और मैंने लकड़ियाँ उठा दी है। और ये देखो पीछे शामिल कर दिया ये वाली लकड़ियाँ, तभी लेके जाएंगे और ले जाए क्या होगा फार्म के बाहर कमजोर हो रही है, तो फार्म के बाहर लगाएंगे और आपको सुबह का पूरा रिव्यू बताते हैं। ये देखो चारों तरफ मस्त वाला रिव्यू है और ठंड ठंडी हवा चल रही है, मस्त हवा चल रही है आज। तो आज क्या थोड़ा जल्दी आए हैं तो ठंडी हवा चल रही है, इसलिए मैंने सोचा आज वीडियो बना लें। रोज़ तो क्या थोड़ा डाले ली काटते हैं, लेट हो जाते हैं जो नहीं बना पाते क्योंकि गर्मी धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है। अभी सुबह जल्दी इधर आ गए थे, मैंने कहा डाली बाद में काटेंगे, पहले इधर चलते हैं, ये छोटा मोटा काम ख़त्म कर लेते हैं। तो आज आए हैं तो देख लो बहुत मस्त रिव्यू शानदार वाला, और दिन में तो क्या धूप ज़्यादा पड़ने लग जाती है। तो अभी हमने लकड़ियाँ जमा रख दी है, शामिल कर ली है, अब इनको लेके जाएंगे और फार्म का वाले जगह लगाएंगे, और लगाने के बाद फिर बकरियों के लिए डाली काटेंगे खेत पर। आज खेत पे काटेंगे, आज यहाँ नहीं काटेंगे क्योंकि आप देख रहे हो पीछे सब डाली काट चुके हैं, ख़त्म हो चुकी है डाली। तो अभी मतलब खेत पे काटेंगे, खेत पे के एक दो पेड़ बाकी बचे हैं तो उनकी डाली काटेंगे। तो अभी क्या है कि मतलब लगा देते हैं बाड़ और फिर जाएंगे खेत पे, डाली काटेंगे। तो ऐसे ही बताएँगे वीडियो पर कि खेत पर बकरियाँ लेके जा रहे हैं, तो वीडियो पर बने रही ऐसे ही। तो गाइस ये देखो बाड़ के लिए मैं कांटे लेके जा रहा हूँ, ये देखो पीछे खींच रहा हूँ, और बाड़ के लिए अपन बाड़ लगाएंगे क्योंकि नील गाय बहुत ज़्यादा घुसती है, इसलिए बाड़ लगाएंगे, बाड़ तो टाइट करेंगे। और भी बारिश भी होने वाली है तो क्या बाड़ टाइट करनी पड़ेगी। बारिश होने से क्या अभी आसपास में नील गाय दिख नहीं रही है, तो बारिश होने से क्या है कि आसपास में फिर हरा चारा हो जाएगा तो ज़्यादा आएगी तो फिर परेशान करेगी, इसलिए क्या है कि अभी बाड़ पहले ही टाइट कर लेते हैं। तो ऐसी वीडियो पे बने रहिए। तो गाइस ये देख लो पीछे बकरियाँ छोड़ दी है और मैं बकरियाँ लेके अभी खेत पे जा रहा हूँ, ये हाथ में कुल्हाड़ी, इसे डाली काटेंगे। और मेरे पास में ये देखो आपको पता है कौन सी नस्ल है, आपको बताई हुई है, तो लाइक कमेंट करके बताएँ कि मेरे पास कौन सी नस्ल की बकरियाँ हैं। आप भूल तो नहीं गए हो, आपको याद है कि नहीं है, तो कमेंट करें, लाइक करके जरूर बतावें कि भाई कौन सी बकरियाँ मेरे पास, कौन सी नस्ल की बकरियाँ हैं कि मेरी YouTube फैमिली भूल तो नहीं गई, उनको याद है कि नहीं है। तो ऐसी वीडियो पे बने रहिए।